नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के इस बार महागठबंधन की सरकार बना डाली है। बता दें कि बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। वहीं इस नई सरकार में दोबारा मंत्री बने लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव को इस बार स्वास्थ्य विभाग की जगह वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जब से तेज प्रताप यादव को इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री बनाया गया, तब से लगातार तेज प्रताप यादव जो है वो काफी एक्टिव दिख रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो उनकी तस्वीर सामने आ रही है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, कड़े निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव की एक और तस्वीर बीते दिन सामने आई है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ तेज प्रताप यादव बैठक कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव के साथ उनके जीजा और लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश भी नजर आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर के अब विपक्ष जो है लगातार लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव पर हमलावर नजर आ रही है। यानी कि जो नई सरकार बिहार में महागठबंधन की बनाई है, उसमें मंत्री बने हैं तेज प्रताप यादव, बैठकें कर रहे हैं, इसके बावजूद अब बैठकों में उन्होंने अपने जीजा को भी शामिल कर लिया। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा संभाला है और लगातार एक के बाद एक कई बड़े हमले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें आपको कि जदयू के नेता जो है वो उनका भी बयान इस पर सामने आया। बता दें कि जदयू के नेता अशोक चौधरी ने भी इस पर अपना बयान दिया है। अशोक चौधरी ने ये कह दिया कि कई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे साथ भी लोग जाया करते हैं, जो करीबी लोग होते हैं वो इस तरीके से विभागीय बैठक में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात उन्होंने ये भी कही कि शैलेश कुमार को ये समझने की ज़रूरत है कि जो महत्वपूर्ण बैठक है, जो विभागीय बैठक है, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी तेज प्रताप यादव के जीजा को लेकर के। नजर आ रहे हैं तस्वीर में, देखिए ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं नए डिपार्टमेंट में, नए विभाग में ज्वाइन करने के लिए, तो आपके करीबी मित्र साथी शुभचिंतक परिवार के सदस्य भी चले जाते हैं। ये हमारे साथ होता रहा है, ऐसा नहीं मैं पांचवी बार मंत्री बना हूं, लेकिन हमारे साथ भी हमारे जब जब हम ज्वाइन करने गए हैं तो हमारे साथ समर्थक और कोई ना कोई साथ में रहा है या परिवार का कोई रहा है, क्योंकि हम लोग तो मियां बीवी और तीन बेटी हैं, तो पत्नी को और बेटी को तो कहीं लेके जा नहीं सकते हैं, तो परिवार का एक डायरेक्ट कोई नहीं जाता है हमारे साथ, लेकिन हमारे करीबी मित्र साथी एमएलए एमएलसी कोई हो रहे हो। इस बार भी हम ज्वाइन करने गए तो आरजेडी के जो एमएलसी अजय सिंह हैं मुंगेर के, वो हमारे साथ थे, मिलने आए थे, तो वो भी बैठे थे हमारे साथ। तो शैलेश जी चले गए होंगे इनको, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसा हमें लगता है, तो वो गए होंगे। लेकिन शैलेश जी को ध्यान रखना चाहिए था कि व्हेन देयर इज एन ऑफिशियल मीटिंग गोइंग ऑन ही शुड एस्केप फ्रॉम दैट मीटिंग, आई थिंक सो। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत है, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा है। बहुत बार ऐसा हुआ, मुकेश सहनी जी इसके पहले इनकी बाइक चले गए थे गाड़ी लेके, कोई ऐसी बहुत बड़ी राजनीतिक घटना नहीं है, या इस घटना से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो मंत्री जो है वो कोई हाईजैक कर रहा है और समथिंग लाइक दैट, वो ऐसा इशू है। तो जहां एक तरफ बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर के निशाने साधती भी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अशोक चौधरी ने भी ये कह दिया है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग ऐसे अक्सर जाया करते हैं, हमने भी जब शपथ ली थी मंत्री पद की तो हमारे साथ भी कुछ लोग साथ में आए थे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष इस बात का मुद्दा बना रही है और कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव को, उसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये सलाह दी है कि शैलेश कुमार को इस बात का ख्याल रखना जरूरी था कि विभागीय बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।